गुड इवनिंग गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ पकोड़ों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये झटपट बनने वाले पकोड़े हैं, चटपटे से। इसको आप रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिए। हम अभी अभी ग्रोसरी करके आए हैं और अब हम बनाने लगे हैं पकोड़े झटपट जो बन जाएं। हमने 1.5 पाव के करीब आलू थे, हमने उनकी रफ कटिंग कर ली है, कुछ लंबे कुछ छोटे बड़े सारे ये हम डाल रहे हैं इसमें। बच्चे भी हमारे साथ गए थे, बच्चों को लगी भूख, इसीलिए घर में अभी जो भी था ना हमने वही पकौड़ों में डालना है। बस अभी तो सब्जी वाला हमारा गली में आ जाता, अभी तक तो कोई नहीं आया जब से हम आए हैं। ये प्याज, हरी मिर्ची, कुछ प्याज भी 1.5 पाव के करीब है, फटाफट मैंने कटिंग की इनकी, इनको डाला हरी मिर्चें। अब बेसन डालेंगे, बेसन छान के, जब भी इस्तेमाल करके इसको छान के करना। मैंने सारा बेसन छान लिया, पकौड़े तो हर घर में बनते हैं, हर किसी का अपना अपना तरीका बनाने का। हम डालेंगे अपने मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, एक टीस्पून नमक डाला है, ये आधा सा चम्मच और डाल देते हैं, हाफ चम्मच हल्दी, लोग ज्यादा डालते हैं साबुत धनिया सूखा हुआ ना, और हम डालते हैं पिसा हुआ धनिया, क्योंकि हमें धनिया की खुशबू चाहिए, धनिया का वो जो दांतों के नीचे आता ना वो बच्चों को नहीं पसंद है, इसलिए मैं धनिया पाउडर डालती हूँ, थोड़ा सा जीरा पाउडर। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, और अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून के बराबर चिली फ्लेक्स डालेंगे, चिली फ्लेक्स पकोड़ों में बहुत मजे की लगती है, ये फ्लेवर के लिए डालनी है, आपकी मर्जी है डालनी तो डालनी, नहीं डालनी तो रहने दे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अनारदाना, ये अनारदाना मैंने स्ट्रेनर में डाला, अब इसको मैं धो के ना फिर थोड़ा सा इसको कूट के इसको डालेंगे। अनारदाना हमने डाल दिया, अब हम इसको ना मिक्स करेंगे, मिक्स हम इसको ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करेंगे, एकदम से सारा पानी नहीं डालना, नहीं तो आपका खराब हो जाएगा। आप हाथ को अच्छी तरह धो के फिर इसमें इसको मिक्स करके फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालना, हाथ से मिक्स करने से ना ज्यादा मजे के बनते हैं, वैसे तसल्ली से मिक्स हो जाता है ये ना, वैसे पकौड़े बनेंगे जैसे बाजार से मिलते हैं। इधर आपको अगर थोड़ा बेसन कम लगे तो आप और डाल लें। बेसन कम लग रहा, हम बेसन थोड़ा कम लग रहा, हम इसमें और डालेंगे ताकि ये जो प्याज थोड़े ना कवर हो जाए, ज्यादा भी बेसन नहीं डालना कि वो बेसन बेसन ही आए मुंह में।
ये बेसन हमारा घुल गया, ये इस तरह का होना चाहिए, ना पतला ना ज्यादा थिक, फिर ये अबजार जैसा टेस्ट आएगा। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, हरा धनिया, पालक, बैंगन, हरी मिर्चें, लेकिन अभी घर में जो कुछ था मैंने वही बनाया जल्दी जल्दी में। पालक के पकौड़े फिर हम आपको किसी दिन बताएंगे। इसको 5-10 मिनट तक हम स्टे देंगे, फिर हम इसके पकौड़े बनाएंगे, पकौड़े बनाते हुए भी आपको दिखाएंगे। बाकी तैयारी करते हुए 5-10 मिनट हो गए हैं बेसन को। अब हम डालेंगे इसमें ऑयल में, ऑयल हमारा गर्म हो गया। ये पकौड़े ना हाथ से डालो ऐसे, और फिर ये ऐसे लगेंगे जैसे बाजार से लिए। ऑयल हमारा बहुत अच्छा गर्म है क्योंकि पकौड़े डाले जैसे साथ ही ऊपर आ जाते हैं। बारिश जैसी आवाज आ रही है पकौड़े डालने से। आपको जो जगह खाली नजर आती है इधर उधर डालते हैं। तो हो गया, हम पकौड़े चेक करते हैं ऊपर नीचे, इनको करना ऐसे ऐसे। ये झटपट बनने वाले हैं जल्दी जल्दी। पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, कितना अच्छा कलर आया ना गोल्डन। इससे ज्यादा ब्राउनी करने नहीं तो वो काले हो जाएंगे। इसको इस जब ऐसा कलर आए तो निकाल लेना क्योंकि ये थोड़ी सी अपनी हीट में और ब्राउन हो जाएंगे। इससे ज्यादा हम ऑयल में फ्राई करेंगे तो उनका कलर ब्लैक में चला जाएगा, जले जले से हो जाएंगे। आप हाथ में अपना सा मसाला ले लें जैसे कि दो पकौड़े डाले जाए। हर फैमिली में अलग अलग से रेसिपी, अलग अलग अपना अपना टेस्ट होता है, अपने टेस्ट के मुताबिक सारे बनाते हैं। हमारे घर में ऐसे बनते हैं, हाथ से बना लेते हैं। ऐसे भी आप ट्राई करके देखें, बहुत मजे के लगेंगे। जो निकालनी है वो प्लेट में डाल लेते हैं। ये मेरे पास हरी मिर्चें पड़ी थी, आजकल बड़ी अच्छी मिर्चें आती हैं। ये मैंने इनको धो के सेंटर में से कट लगा के थोड़ा सा ना चाट मसाला डाल दिया बीच में डाल के। अब हम इसमें ना डिप कर देंगे सारी, ये बन जाएंगे मिर्ची के पकौड़े। ये नान के साथ, रोटी के साथ बहुत मजे के लगते हैं। इनको ऐसे 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 रोल करके थोड़ा सा सेंटर में से इधर से दबाए ना तो इनका मुंह खुल जाता है। तो इनको ऐसे करेंगे, सारी डिप कर लेते हैं। Thank you.
एंड ये हमारी मिर्ची बेसन वाली फ्राई हो गई है। अब हम इनको निकाल लेंगे। देखो थोड़ी जैसे कलर आया, इनको मिर्चें भी कह सकते हैं बेसन वाली या पकौड़े कह लें मिर्चों वाले, जो जिसका दिल करता है। ले जी पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं। कितने प्यारे बने हैं, बहुत क्रिस्पी बने। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई इसको ट्राई करके और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और ये हमारी पहली वीडियो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा आपके किचन में, आपके खानों में, और खुदा आपको बरकत दे।